जब आपकी सरकार आई थी तो एक इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ट्रायम्फ लेकिन विक्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा आ, एक एक ऑकवर्डनेस भी था कि आप पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फिर आपने कहा कि नहीं मैं सरकार में नहीं आऊंगा उसके बाद आज चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए अब एक साल में वेन यू लुक बैक आपको क्या लगता है कि खट्टा मीठा अनुभव जी बिल्कुल लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ बहुत थी पर हम लोग उनका सामना कर पाए और मैं ऐसा मानता हूँ आज जब मैं एक साल पीछे मुड़कर देखता हूँ तो जिस समय मेरी पार्टी ने कहा था कि आपको सरकार में जाना है तो मुझे थोड़ा खट्टा लगा था मुझे ऐसा लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहा है वो सत्ता के लिए कितना लालयित है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है लेकिन आज एक साल के बाद मैं ये मानता हूँ कि मेरी पार्टी का डिसीजन सही था क्योंकि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन सरकार में रहकर कर सकते हो वो सरकार से बाहर रहकर नहीं कर सकते क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर आप सरकार चलाने की कोशिश करोगे सरकार नहीं चल सकती है हमने पिछले एक साल में इतने ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले निर्णय लिए हैं। आप देखिए ढाई साल उद्धव जी की सरकार रही देर इज नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट बिच दे कैन शो केस कि हमारी ढाई साल की सरकार का एक प्रोडक्ट है जो चीजें चल रही है महाराष्ट्र में या तो मेरी पांच साल की सरकार वाली चीजें चल रही है या इस एक साल में हमने किया है अब देखिये इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में मुंबई के अगर विचार करें तो कोस्टल रोड ट्रांस हार्बर लिंक मेट्रो ये सारा हमने शुरू किया था बीच में इन्होंने बंद किया था या स्लो कर दिया था यह सरकार के आने के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोस्टल रोड इस साल के अंत तक हम लोग इसका एक पोर्शन खुला करेंगे ट्रांस हार्बर लिंक जो 22 किलोमीटर की 22 किलोमीटर सी ब्रिज इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एवर बिल्ट इन इंडिया ये सी ब्रिज इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा ये न्यू मुंबई को कनेक्ट कर देगा हम लोगों को हमारी जो मेट्रो थ्री है उसका भी एक पोर्शन इस साल के अंत में हम शुरू कर पाएंगे नागपुर मुंबई जो हमारा सुपर एक्सप्रेस वे है उसको केवल सौ किलोमीटर बचा बाकी वे हमने शुरू कर दिया वो सौ किलोमीटर भी इस साल के अंत तक हम शुरू करेंगे मुंबई का नया एयरपोर्ट अगले साल में हम शुरू करें तो डेफिनेटिव इस टाइप के सारे इंटरवेंशन हम कर पाए आज देखिए केवल एक साल में वी हैव डिसाइडेड टू बिल्ड टेन मेडिकल कॉलेजेस तीन का काम हमने शुरू कर दिया इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारी जो हेल्थ स्कीम थी उसका यूनिवर्सलाइजेशन करने का निर्णय किया पूरे 12 करोड़ लोगों को हम 5 लाख तक अब इलाज फ्री दे रहे और उसका हमने प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ को ब्रांडिंग कर लिया तो उनका भी हमको फायदा हो रहा है उनकी तरफ से भी हमको पैसा मिल रहा है तो आज एक बिल्कुल नया फैसला ये जो हमारा है इससे बहुत लोगों को फायदा होगा या केवल मात्र एक साल में हम लोगों ने इरिगेशन में 29 रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया आठ लाख हेक्टेयर जमीन ये इरिगेशन के नीचे आएगी तो ऐसे जितने निर्णय जो स्टॉल थे जो नहीं हो पा रहे थे जो पिछले सरकार ने रोक कर रखे थे ऐसे कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं तो मुझे लगता है कि एक साल ये निर्णयों का साल रहा है